हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 22 ऑन द मूव अगेन धानुष विलेज। टुडे ऑल द रिलेटिव कम टू धानुष विलेज टू सेलिब्रेट दशहरा। दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर बुलक कार्ट्स। धानुष फादर इज द एल्डेस्ट इन द फैमिली। तो यहाँ पर क्या होता है, आज जितने भी रिलेटिव हैं धानु के वो उसके विलेज के अंदर आए हैं क्या चीज़ करने, दशहरा को सेलिब्रेट करने। अपने साथ वो लगेज को भी लेकर आए हैं और बुलक कार्ट्स मतलब कि जो हमारी बैलगाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर अपने लगेज को रखकर लेकर आए हैं। जो धानु के फादर हैं वो उनकी फैमिली के अंदर सबसे बड़े हैं। सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस। धानुज मदर आई, मदर्स ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ, मामी, काकी आर बिजी मेकिंग पूरन पोलिस स्वीट रोटीज मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम अलॉन्ग विद दिस अ स्पाइसी कड़ी डिश इज ऑल्सो मेड। तो यहाँ पर क्या होता है, धानु के जो फादर हैं वो उनकी फैमिली के अंदर सबसे बड़े हैं, इसी वजह से लोग उनके घर पर आते हैं सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने। जो धानु की मदर हैं मतलब उसकी आई, और जो उसकी मदर के ब्रदर की वाइफ है जो मामी जिसे बोलते हैं हम लोग मामी, और जो काकी है फादर्स ब्रदर्स वाइफ जिसको काकी बोलते हैं हम लोग, वो सब बिजी हैं क्या बनाने में, पूरन पोली। पूरन पोली क्या होती है, एक स्वीट रोटी होती है, मीठी रोटी होती है जिसको कि जैगरी और ग्राम, ग्राम मतलब कि दाल से और जैगरी मतलब कि गुड़ से बनाया जाता है, और इसी के साथ एक स्पाइसी कढ़ी भी दी जाती है। द डे पासेस इन लाफिंग एंड चैटिंग बट बाई इवनिंग एवरीवन्स मूड चेंजेस। द वुमेन एंड चिल्ड्रेन बिगिन टू पैक देयर लगेज, द मैन सिट डाउन विद द मुकद्दम एजेंट हु लैंड्स मनी फॉर द मीटिंग, द मुकद्दम गिव्स द डिटेल ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। तो इसी तरीके से पूरा दिन हंसते हुए बात करते हुए गुजर जाता है, लेकिन शाम तक सबका मूड बदल जाता है। जो वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं वो अपना लगेज पैक करना स्टार्ट करते हैं, और जितने भी आदमी होते हैं घर के वो मुकद्दम के पास जाते हैं मीटिंग के लिए। मुकद्दम के अंदर क्या होता है, मुकद्दम होता है एक एजेंट, एजेंट मतलब कि वो बंदा जो कि लोगों को पैसे उधार पर देता है। तो मुकद्दम क्या करता है, मुकद्दम सबको पैसे देता है लोन के ऊपर, और वो हर फैमिली की डिटेल्स बताता है कि किस किसने मेरे से कितने कितने पैसे उधार लिए हैं शाम के समय। आगे चलते हैं। देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगिंस। द मुकद्दम एक्सप्लेन टू द विलेजर्स इन विच एरिया दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। He also gives them some money as loan for their expense. Even since Dhanu remember this has been the routine. तो यहाँ पर क्या होता है, जो मुकद्दम होता है वो सब विलेजर्स को बताता है कि अब कुछ अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर हमें क्या काम करना है। जो मुकद्दम होता है वो एक्सप्लेन करता है सब विलेजर्स को कि अब हमें किन एरियाज के अंदर जाना है और नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर किन एरियाज के अंदर हमें जाना है, और इसी के साथ साथ वो उन्हें कुछ पैसे भी देता है लोन के तौर पर, उधार देता है कुछ पैसे जिससे कि उनके खर्चे पूरे हो पाएं। एवर सिंस धानु रिमेंबर्स, जब से धानु को याद है, दिस हैज़ बीन रूटीन, ये एक रूटीन रहा है मतलब कि ये चीज़ हमेशा ऐसी ही होती आई है। फैमिली इज लाइक धानुस वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा बिफोर द रेनी सीजन्स। तो जो धानु के जैसी फैमिलीज हैं वो किनके, बड़े बड़े जो हमारे किसान होते हैं, बिग फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, उनके फार्म के ऊपर वर्क करते हैं मतलब नौकरी करते हैं उनके फार्म के ऊपर दशहरा तक, जबकि रेनी सीजन नहीं आ रहा होता, उससे पहले ही ये सारा अपना काम ख़त्म कर देते हैं। मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स, दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप दैम गोइंग थ्रू 6 मंथ्स, थ्रू दीज मंथ्स, 6 मंथ्स नहीं दीज मंथ्स। तो यहाँ पर और भी फैमिलीज़ काम करती हैं इन लैंड्स के ऊपर, इससे वो इतना ही पैसा कमा पाते हैं जिससे कि कुछ और महीने वो अपना गुजारा कर सके, खाने पीने की चीज़ें खा सकें। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ्स व्हेन देयर इज नो रेन एंड नो वर्क इन द फील्ड्स, सो एवरीवन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकद्दम। तो क्या होता है कि अब जो 6 महीने थे, लगभग 6 महीने के लगभग ही वो पैसा कमा पाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद रेनी सीजन हो जाता है, तो रेनी सीजन की वजह से उन्हें कुछ भी काम नहीं मिलता, रेनी सीजन ना होने की वजह से उन्हें कुछ भी काम नहीं मिलता।
और कुछ भी काम ना मिलने की वजह से वो कुछ पैसा भी नहीं कमा पाते। अब जब पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, खाने पीने की चीजें कैसे खरीदेंगे, तो वो पैसा उधार लेना स्टार्ट करते हैं। पैसे उधार कौन देता है, मुकद्दम देता है पैसे उधार, और लोग उसे पैसे वापस दे देते हैं। दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम, और उसके पैसे वापस देने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, मुकद्दम के लिए ही काम करना पड़ता है। मुकद्दम इज एन एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्री। मुकद्दम क्या है, एक एजेंट है शुगर केन फैक्ट्रीज के लिए, और वो हेल्प करता है लोगों को काम ढूंढने के लिए शुगर केन फील्ड्स के अंदर। शुगर केन की मतलब, शुगर केन हमें किस बोलते हैं, गन्ने को बोलते हैं हम लोग शुगर केन, तो उनके गन्ने के खेत के अंदर काम ढूंढ के बताता है वो लोगों को, जिन लोगों को वो पैसे उधार देता है, और बोलता है कि मैं अपने पैसे चुका लूँगा, तुम्हें जाकर इस गन्ने के खेत के अंदर काम करना है इतने समय तक, तब जाकर तुम मेरा उधार चुका पाओगे। तो मुकद्दम इस तरीके से उन लोगों को बोलता है। आगे देखते हैं हम लोग। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थानु, हिज पेरेंट्स, हिज काका फादर्स ब्रदर एंड हिज टू एल्डर चिल्ड्रन, हिज मामा मामी एंड देयर टू डॉटर्स एंड 40-50 अदर फैमिलीज फ्रॉम द विलेज विल स्टे अवे फ्रॉम होम। इन दिस 6 months थानु एंड मैनी चिल्ड्रन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। थानुज ओल्ड ग्रैंड मदर आंट हु कैनॉट सी एंड 2 months ओल्ड कजन सिस्टर वुड स्टे बैक इन द विलेज। तो यहाँ पर क्या होता है, अब कुछ ही हफ्ते के अंदर धानु और जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके काका हैं, और जो भी उसके मतलब उनके काका के जो 2 elder children हैं, जो उसके मामा हैं मामी हैं, और जो मामा मामी की 2 बेटियाँ हैं, और उसकी उसी के साथ साथ जो 40-50 और परिवार हैं ऐसे ही, वो लोग क्या कर रहे हैं, विलेज से थोड़ा दूर रहेंगे, मतलब जो उनका घर है उससे दूर रहेंगे। और लगभग 6 महीने तक धानु और उसी के जैसे बहुत सारे चिल्ड्रन स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। धानु के जो ओल्ड ग्रैंड मदर हैं वो देख नहीं सकती, इसी वजह से वो घर पर रहेंगी। और इसी के साथ साथ जो 2 month ओल्ड उनका कज़न सिस्टर है धानु की, वो भी घर पर ही रहेगी विलेज के अंदर। इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड। धानु मिसेज हिज ग्रैंड मदर अलॉट। धानु ऑलवेज कीप्स वंडरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, बट वॉट कैन धानु डू। तो यहाँ पर क्या होता है, धानु के साथ ही ऐसा नहीं होता था कि धानु की जो ग्रैंड मदर थी, जो ओल्ड ग्रैंड मदर थी, इन्हीं को नहीं घर पे छोड़ा जाता था। जो भी विलेज के अंदर किसी की भी फैमिली के अंदर कोई बड़ा बुजुर्ग होता था जिसकी तबीयत खराब होती थी, या छोटे बच्चे होते थे बिल्कुल, उनको घर पे ही छोड़ दिया जाता था। धानु को बहुत ज़्यादा याद आती थी अपनी ग्रैंड मदर की, मिसेज ग्रैंड मदर, और इसी के साथ साथ वो हमेशा यही सोचता रहता था कि आखिर मेरी ग्रैंड मदर का ध्यान कौन रखेगा। और लेकिन ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन अब धानु कर भी क्या सकता था। तो अब हम पढ़ते हैं आफ्टर दशहरा के बारे में। दशहरा, द करावन ऑफ दीज फैमिलीज वुड नाउ सेटल नियर द शुगर केन फील्ड एंड शुगर केन फैक्ट्रीज। फॉर 6 months दे वुड स्टे इन देयर हर्ट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर केन एंड इट्स लीव। तो यहाँ पर क्या होता है कि दशहरा खत्म होने के बाद जो इनके पूरे परिवार हैं वो क्या करते हैं, एक शुगर केन की फील्ड, मतलब एक शुगर केन का जो खेत हो गया, उसके पास में रहते हैं, गन्ने की खेत के पास में रहते हैं, और शुगर की जो फैक्ट्रीज होती है उनके पास में रहते हैं, चीनी की फैक्ट्री जो होगी उनके पास में रहते हैं। लगभग 6 महीने तक वो लोग यहीं पर रहेंगे अपने हट्स बनाकर, हट्स मतलब झोपड़े बनाकर, और उस झोपड़े के अंदर वो देखेंगे तो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, शुगर केन से ही, और जो शुगर केन की ड्राई लीव्स होती हैं उनसे। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट शुगर केन्स इन द फील्ड। द वुमेन एंड चिल्ड्रेन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर केन, देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आदमी लोग होते हैं वो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और क्या करते हैं, शुगर केन कट करते हैं फील्ड के अंदर। इसी के साथ जो वुमेन और चिल्ड्रेन होते हैं ये क्या करते हैं, बंडल्स जो होते हैं शुगर केन के उन्हें बनाते हैं, मतलब बांधते हैं शुगर केन को एक साथ। और ये शुगर केन बनने के बाद कहाँ पर जाते हैं, हमारी शुगर फैक्ट्रीज के अंदर। धानु ऑफ्टन goes with his father. Sometimes they spend nights outside the factory on bullock carts. There Dhanu plays with the bullocks and vendors around. तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी धानु जो है अपने पापा के साथ काम पर जाता है, वो कभी कभी रातें भी बिता देते हैं अपनी फैक्ट्री के बाहर ही, और वहीं पर जो बुलॉक कार्ट होते हैं, मतलब कि जो हमारी बैलगाड़ी हो गई, उस पर वो बैठे रहते हैं, कुछ टाइम अपना स्पेंड करते हैं रात का। इसी के साथ साथ धानु जो ये बैलगाड़ी के अंदर बैल वगैरह होते हैं इनके साथ खेलता है और इधर उधर भी घूमता है बड़े ही मज़े से। एट द फैक्ट्री धानु फादर गेट्स अ शुगर केन वेट एंड टेक्स अ रिसीट, अ नोट टू से हाउ मच शुगर केन
दे हैव गिवन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो धानु होता है, धानु के जो फादर होते हैं, वो फैक्ट्री के पास जब जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक रिसिप्ट दे दी जाती है, रिसीट दे दी जाती है, जिसके ऊपर क्या होता है, वेट लिखा होता है शुगर केन का, कि कितना शुगर केन उन्होंने फैक्ट्री के अंदर दिया। और ये जो शुगर केन की रिसीट होती है, इसे उन्हें संभाल कर रखना होता है, उसके ऊपर वेट लिखा होता है शुगर केन का। दे शो दिस रिसीट टू द एजेंट हु देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन। और ये जो पर्ची होती है, ये जो रिसीट होती है, किसको दिखा देते हैं, उस पर्सन को दिखा देते हैं जिसने इन्हें लोन दी होती है, तो वो उस लोन का हिसाब रखता है उस पर्ची के थ्रू। द एजेंट ऑल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर नेक्स्ट वीक्स एक्सपेंसेस। और इसी के साथ साथ जो एजेंट होता है बोलता है कि अच्छा तुमने इतना गन्ना वहाँ पर दिया फैक्ट्री के अंदर, ठीक है कुछ तो मैं तुम्हारे कर्जे में से काट लेता हूँ, तुम्हारी उधारी में से काट लेता हूँ, लेकिन कुछ पैसे मैं तुम्हें उधार दे देता हूँ, या फिर लो कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लो तुम, और इन पैसों से तुम अपने हफ्ते का खर्चा चला लो, क्या खाने पीने का अपना खर्चा पूरा कर लो। देन धानुस आई एंड मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाय विलेज मार्केट टू बाय आटा फ्लोर एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक। तो इसी के साथ जब पैसे मिलते हैं, तो जो धानु की आई है, मतलब उनकी जो मदर हो गई और जो उनकी मामी हो गई, वो फटाफट अपने बच्चों को लेकर कहाँ पर जाती हैं, विलेज के पास में ही जो मार्केट होता है, और वहाँ से क्या खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं जिसको हम लोग फ्लोर बोलते हैं, और ऑयल भी खरीदते हैं, ऑयल मतलब कि तेल को खरीदते हैं। समटाइम मामी बाइज लड्डूज फॉर और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन। शी ऑल्सो बाइज पेंसिल एंड इरेजर एंड अ नोटबुक फॉर धानु। आफ्टर ऑल ही इज मामीज फेवरेट, बट धानु वोंट बी यूजिंग दिस फॉर 6 months बिकॉज ही वोंट बी गोइंग टू स्कूल। तो कभी कभी क्या होता है कि मामी लड्डू भी खरीदती हैं बच्चों के लिए, और भी स्वीट्स खरीदती हैं, और पेंसिल भी खरीदती हैं, इरेजर भी खरीदती हैं, नोटबुक भी खरीदती हैं धानु के लिए, लेकिन धानु का ये फेवरेट था मामी का धानु, लेकिन यहाँ पर जो धानु है वो इन सबको तो यूज़ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि लगभग 6 महीने तक तो उसे शुगर केन की जो ये पूरा फार्म था इधर ही काम करना है, और वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, तो कहाँ पर यूज़ करेगा वो पेंसिल को और नोटबुक को। तो मामी वॉन्ट्स धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ। जो धानु की मामी है वो ये चाहती हैं कि धानु पढ़े लिखे और कुछ बने जिंदगी के अंदर। शी डजंट वॉन्ट धानु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस। और वो ये नहीं चाहती कि जिस तरीके से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, काम करा करते थे पैसे चुकाने के लिए, इस तरीके से धानु को भी काम करना पड़े। मामा एंड मामी टेल धानुज पेरेंट्स, नेक्स्ट टाइम वेन वी लीव अवर विलेज आफ्टर दशहरा वी विल लीव धानु एंड हिज दादी एंड चाची। तो यहाँ पर जो मामा मामी हैं धानु के, वो ये बोलते हैं कि है ना, अगली बार जब हम लोग विलेज छोड़ कर आएंगे दशहरा के ऊपर, तो हम लोग धानु को वहीं पर छोड़ देंगे, दादी के साथ रहेगा धानु और अपनी चाची के साथ। ही विल गो टू स्कूल लाइक द अदर चिल्ड्रेन इन द विलेज। ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज, ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबड़ी। तो यहाँ पर उसके मामा मामी ये भी बोलते हैं कि इसको विलेज में इसलिए छोड़ेंगे जिससे कि वो और बच्चों की तरह पढ़ाई कर सके और कंटिन्यू कर सके अपनी स्टडीज़ को, मतलब लगातार अपनी पढ़ाई को कर सके और कुछ बड़ा बने अपनी ज़िंदगी के अंदर, कुछ बने अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो यहीं पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सवाल दिए हैं, इनके भी आप आंसर फटाफट करें स्टूडेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मनु से ज्ञान लेते रहें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, बहुत सारे ऐसे ही EVS के कंप्लीट वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और क्लास 6 के भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो कांग्रेचुलेशन, अब आप थोड़े ही दिनों में क्लास 6 के अंदर आने वाले हैं, तो वो भी वीडियोस जरूर देखें। सो बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू मनु का ज्ञान।